तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर विनोद शंकर व्यास की कहानी खोज। निर्जन वन था और बिहड़ पथ। स्वर्णमय संध्या आकाश को चुमकर चली गई थी। इस समय तरंगित नीलांबर में उज्जवल तारे निर्निमेश पलकों से सुधांशु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उनका कुछ पता नहीं। सुनसान अंधेरी रात थी। मैं रह रह कर इधर उधर देखने लगता और हृदय चिल्ला उठता, अभी तो बहुत दूर जाना है। निदान में थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, क्षण भर विश्राम लेकर फिर चल पड़ा। सैकड़ों जुगनू आशा की स्वर्ण ज्योति से चमक कर मुझे प्रकाश दिखलाने लगे। चारों तरफ जन 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 हो रहा था। मेरे पैर कांपते कांपते जमीन पर पड़ते थे। मेरे भय की सीमा नहीं थी। यह क्या, मैं जिस मार्ग से आ रहा था वो एकाएक भूल गया। लौटना कठिन हो गया। पूजा की सामग्री मेरे हाथों में थी, उसे संभाले हुए धीरे धीरे आगे ही बढ़ चला। अचानक किसी ने पुकारा, इस भीषण रजनी में अकेले कहां? मैंने फिर कर देखा, वह मेरे ही जैसा कोई व्यक्ति था, पर उसके मुख पर शांति मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, कई वर्ष हुए जब मैं भी पहली बार इधर ही आया था तो मार्ग भूल गया था। तो क्या आपको वह निर्दिष्ट स्थान प्राप्त हो गया? हाँ, बड़ी साधना और आराधना के बाद। सुना है वहाँ पहुँच जाने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो मेरी भी मनोकामना पूरी होगी। मैंने तो उपासना में बहुत कुछ समय बिताया है। जाओ, वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हारी उपासना का निर्णय होगा। अभी कितने दूर जाना है? थोड़ी ही दूर, इस नदी के उस पार। बातों से हृदय को साहस हुआ, पांव जल्दी जल्दी उठने लगे। मैं वहां पहुंच ही तो गया। उस तोरण कलश और वंदनवार से सुशोभित द्वार पर लिखा हुआ था प्रेम मंदिर। मेरे पहुंचते ही द्वार खुला और मैं बेधड़क भीतर चला गया। पूजा समाप्त कर मैंने प्रेम देव को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, नाथ केवल एक भिक्षा। उन्होंने कहा, पहले तुम इस मंदिर के सब पुजारियों से भेंट कर लो, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही प्रबंध होगा। प्रेम पुजारियों के दर्शन हुए। कुछ लोग ध्यान में निमग्न थे, कुछ आहें भर भर कर आंसू बहा रहे थे। सभी का तन झरझर और मुख पीला था, आंखों में विफलता बरस रही थी। उन लोगों को दिखाकर प्रेमदेव ने पूछा, क्या इस दल में मिलना चाहते हो? मैंने कहा, यदि शांति मिले, यदि प्रियतम का दर्शन मिले तो। उन्होंने कहा, तुम अपने प्रियतम को पाकर सुखी न हो सकोगे, फिर लौटकर वापस आ जाओगे। किंतु यहाँ का नियम है कि दूसरी बार वरदान नहीं मिलता, खूब विचार कर लो। मैंने कातर कंठ से कहा, स्वामी कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे हृदय को भीषण ज्वाला में पड़कर जलना न पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम जिसे चाहते हो उसे पाने की अभिलाषा कभी मत करना, नहीं तो सब सुख चला जाएगा। केवल आराधना करो, इसी में अक्षय सुख है। मैंने कहा, जो आज्ञा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं नदी तट पर बैठा हुआ प्रेमोपासना कर रहा था। उस समय कनक किरीटिनी उषा भी शायद किसी की आराधना में लगी थी। दूर से अचानक किसी के आने की आहट मिली, फिर कर देखा, देखता ही रहा, स्तब्ध हो गया, अवाक हो गया, चकित हो गया। एक कोकिल कंठी ने कहा, प्रियतम तुम्हारी विकलता मुझे खींच लाई है, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे स्वीकार करो। मैंने कहा, प्रिय मैं तुम्हें अब नहीं चाहता, तुमने व्यर्थ कष्ट किया, विलंब अति विलंब। फिर क्या मेरा ध्यान नहीं करते? करता हूँ, किंतु तुम्हें पाने की अभिलाषा पूरी हो गई, तुम्हें पा चुका, तुम लौट जाओ, क्षमा करो। सुंदरी ने खिलखिलाकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो क्या तुम इस पागलपन को भी छीन लेना चाहती हो? अच्छा, मैं फिर आऊंगी, तब तक तुम इस पर विचार कर लेना। उस दिन से मेरे ध्यान का रूप बदल गया।
अब मैं यही सोचता हूँ कि वह आराधना की मूर्ति अब कब आएगी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हाँ दोस्तों, मेरी कहानियाँ जो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए अच्छी साबित होती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री।